तो भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक कल्चर है जिसमें कि जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों की कुंडलियों को मिलाया जाता है और देखा जाता है कि इन दोनों के कितने गुण मिल रहे हैं। बट क्या आप लोगों को पता है कि शादी होने से ठीक पहले आप लोगों को अपने कौन कौन से ब्लड चेकअप वगैरह करवा लेने चाहिए ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपकी आने वाली लाइफ कितनी ज्यादा सिक्योर रहेगी या फिर कितनी ज्यादा कठिनाइयों से आप लोगों को गुजरना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो ये सारी बातें तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में अंत तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं शुरू। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रिकी और आप देख रहे हो माइंड गेम चैनल। तो शुरू करें। चलो भाई दोस्तों, अगर आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो तो आप लोगों को हमारे हिंदुस्तान के इस कल्चर के बारे में तो पता ही होगा कि यहाँ पे जब भी लड़के या लड़की की शादी होती है तो दोनों की कुंडलियों को मैच किया जाता है और देखा जाता है कि दोनों के कितने गुण मिल रहे हैं, उसके बाद में ही हमारे यहाँ पे शादी वगैरह का डिसीजन लिया जाता है। बट दोस्तों शादी से पहले भी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती चली जा रही है क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में दोस्तों बहुत ही ज्यादा ऐसी दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा यानी इनसिक्योर सा फीलिंग कर रही हैं लड़कियां। मतलब ये है कि दोस्तों काफी ज्यादा यानी ब्लड टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है और गोवा के अंदर तो दोस्तों ऐसा कानून भी आने वाला है कि शादी होने से ठीक पहले लड़के का और लड़की का दोनों का ब्लड चेकअप वगैरह होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है आजकल, किसी भी इंसान को अगर HIV एड्स वगैरह की दिक्कत है तो वो हमारे हिंदू रीति रिवाज का फायदा उठाता है, अपनी कुंडलियों को मैच करवा लेता है और उसके बाद में वो किसी भी लड़की के साथ में शादी वगैरह करके उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है। और उसके बाद में होता क्या है, धीरे धीरे उस इंसान से HIV का वायरस उस लड़की में चला जाता है और जब भी वो मां बनने वाली होती है तो ऐसी कंडीशन में उस लड़की से उस बच्चे के अंदर वो HIV ट्रांसफर हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है, सबसे ज्यादा उस इंसान की जिंदगी तो खराब होती होती है, एक बेचारी निर्दोष जो लड़की होती है उसकी भी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और साथ ही साथ उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी HIV/AIDS पॉजिटिव हो जाता है और धीरे धीरे उस बच्चे की भी जिंदगी खराब हो जाती है और 15 साल के बाद में फिर कभी भी उसके डेथ होने के चांसेस 101% बढ़ जाते हैं, यानी कभी भी वो मर सकता है या फिर कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग हो सकता है जिसके बाद में फिर आप लोगों का जीना मरना सब कुछ एक बराबर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जरूरी बात ये रहती है कि ब्लड वगैरह चेकअप आप लोगों को जरूर करवा लेने चाहिए। अब यहाँ पे हिंदू रिलीजन्स में काफी ज्यादा अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो इसमें काफी लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं हिंदू रिलीजन्स का मजाक उड़ा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे किसी भी रिलीजन्स का मजाक नहीं उड़ा रहा। जबकि आजकल के वर्तमान समय को देखते हुए मैं ये बातें कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अब अगर मान लो आप लोग किसी भी इंसान को ये कहते हो कि आप लोग अपना HIV का टेस्ट वगैरह करवा लो तो ऐसी कंडीशन में सामने वाले को ये भी लग सकता है कि ये इंसान मेरा मजाक उड़ा रहा है या फिर ये मेरी एक तरीके से तौहीन है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग उसे सरल और सीधी भाषा में ये कह दो कि आप अपना हेल्थ चेकअप वगैरह करवा लो पूरी बॉडी का, और फिर उसके बाद में पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप होते ही आप लोग देख सकते हो उसमें उसकी शुगर का लेवल या फिर और कोई भी डिसीज, यानी बहुत सारे ऐसे डिसीज जिनके बारे में आप लोगों को जानना हो। क्योंकि दोस्तों आजकल काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि वांछित तौर पे चलती रहती है, मतलब एक पुश्तों से दूसरी पुश्तों में और दूसरी पुश्तों से तीसरी पुश्तों में। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग ये सारी रिपोर्टिंग करवा लेते हो तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अपने आने वाले टाइम को काफी ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सारी दिक्कतें लड़कों में ही होती हैं, हो सकता है कि लड़कियों के अंदर भी काफी सारे ऐसे डिसीजेस हों जैसे कि थायराइड हो गया या फिर शुगर वगैरह हो गया या फिर BP वगैरह की प्रॉब्लम या फिर और कोई डिसीज। क्योंकि दोस्तों आजकल होता यही है कि हिंदुस्तान के रीति रिवाजों का फायदा उठा करके काफी ज्यादा लड़कियां और लड़के अपना भला तो कर लेते हैं बट आने वाले टाइम में होता क्या है, दोनों का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब कि बीमारी किसी एक को होती है और वो धीरे धीरे दूसरे में पहुंच जाती है और दूसरे से फिर उनके आने वाले बच्चे को सीधा सीधा इफेक्ट करती है और उसकी जिंदगी बिल्कुल ही नरक की तरह बना देती है। अब ऐसी कंडीशन में यार बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाती है। तो शादी से पहले आप लोगों को अपना पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप वगैरह करवा लेना चाहिए ताकि लड़के को और लड़कियों को दोनों को ही सिक्योरिटी महसूस हो सके और वो लोग ये चीज नोटिस कर सकें कि नहीं आने वाली हमारी लाइफ कैसी होगी। क्योंकि छोटे मोटे डिसीजेस से तो हमारी लाइफ में कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता बट दोस्तों जहां तक शुगर हो गया या फिर TB हो गया, ये सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो कि अनुवांशिक होती हैं और इनमें होता क्या है,
कि अगर मान लो किसी भी पेशेंट को शुगर वगैरह रही है या उनकी फैमिली में कुछ ऐसी थ्योरी रही है तो आने वाली यानी जो भी जनरेशन होती है उसमें भी 50% चांसेस हो जाते हैं कि ये डिसीजेस पैदा हो जाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोग इन छोटी मोटी बीमारियों से तो आप लोग बच ही सकते हो। साथ ही साथ अब जैसे कि HIV वगैरह रहती है, ये बहुत ही घातक बीमारियां होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अगर हेल्थ चेकअप करवाते हो तो चाहे लड़की को हो या फिर लड़के को, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों ही अपने अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को दे दे और उसके बाद में उसकी बेटी को HIV हो या फिर उसके आने वाली संतान को HIV पॉजिटिव हो, या फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके लड़के को किसी लड़की की वजह से HIV पॉजिटिव हो जाए। तो इसीलिए शादी से ठीक पहले आप लोगों को अपना हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि यहाँ के कल्चर का फ़ायदा उठाती हैं और अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए काफ़ी सारे लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती हैं। तो दोस्तों यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार ठोको लाइक, क्योंकि लाइक तो बनता ही है, और मैं चैनल पे भूले भटके आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं खत्म। तो बस फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।